वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक सीरीज फ्रेंड। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल पर ड्यूल मैसेंजर यूज करना चाहते हैं, ड्यूल मैसेंजर चलाना चाहते हैं, तो आपको कैसे ड्यूल मैसेंजर को इंस्टॉल करना है। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूल मैसेंजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग पर, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की जितनी भी सेटिंग है आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। आपको करना है क्या है, थोड़ा सा जाना है नीचे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस फीचर का। आपको करना है क्या होगा, एडवांस फीचर में क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस फीचर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कई सारे एडवांस फीचर की सेटिंग ओपन होकर आ चुकी है। आपको थोड़ा सा जाना है नीचे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ड्यूल मैसेंजर का। इसके नीचे लिखा है यूज टू स्प्रेड अकाउंट्स फॉर द सेम एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कई सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, जो अभी एप्लीकेशन को आप ड्यूल मैसेंजर ऐप के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि व्हाट्सएप का मुझे दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर मैं इनेबल पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है, लिखा है इंस्टॉल सेकेंड व्हाट्सएप, यू विल बी डिफरेंट योर एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं बैक होके नहीं जाता हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करूँगा। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल पर दो व्हाट्सएप ओपन हो जाएंगे। फिर मैं दूसरे अकाउंट बनाकर डबल डबल व्हाट्सएप यूज कर सकता हूँ। ऊपर यहाँ पर लिखा है यूज टू स्प्रिट अकाउंट फॉर द सेम ऐप्स। ऐसे ही आपको ड्यूल मैसेंजर इंस्टॉल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।